भारतीय स्टार पहलवान बजरंग पूनिया को बड़ा झटका लगा है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने उन्हें अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। इस पहलवान ने बीते मार्च में सोनीपत में आयोजित हुए नेशनल ट्रायल्स के दौरान डोप सैंपल नहीं दिया था, लिहाजा उन पर ये कार्रवाई हुई है। अब जब तक बजरंग पूनिया पर लगा यह निलंबन नहीं हटेगा, जब तक वो किसी भी टूर्नामेंट या ट्रायल्स में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अब उनकी पेरिस ओलंपिक के लिए दावेदारी खत्म होने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल बीते 10 मार्च को नाडा ने बजरंग पूनिया से अपना सैंपल देने को कहा था, लेकिन रेसलर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद नाडा ने वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को इस बारे में सूचना दी। फिर वाडा ने नाडा को सुझाव दिया कि वो एक नोटिस जारी करें और बजरंग से जवाब मांगे कि आखिर क्यों उन्होंने टेस्ट से इनकार क्यों किया। इस पूरे मामले में नाडा ने 23 अप्रैल को बजरंग पूनिया को नोटिस जारी किया है। उन्हें 7 मई तक जवाब देना है। जब बजरंग जवाब देंगे तभी जाकर इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। मान लीजिए अगर बजरंग पूनिया पर नाडा का बैन नहीं हटा तो वे पेरिस ओलंपिक के लिए होने वाले फाइनल ट्रायल्स में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसी साल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस की मेजबानी में पेरिस ओलंपिक होना है।